नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे कि मोबाइल की फ़ोटो के द्वारा किसी का वश में कैसे कर सकते हैं, किसी को अपनी और मोहित कैसे कर सकते हैं, किसी को अपना दीवाना कैसे बना सकते हैं। तो आजकल जैसे कि पहले के समय में फ़ोटोज़ के द्वारा, किसी की तस्वीर के द्वारा वशीकरण किया जाता था या किसी को अपना दीवाना बनाया जाता था, तो अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आज के समय में मोबाइल में ज़्यादातर फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, मोबाइल में ज़्यादातर लोगों की तस्वीरें होती हैं, तो आप उससे भी बड़ी ईजिली किसी को अपनी ओर मोहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो शर्तें हैं वो ये है कि आप एक दूसरे को जानते पहचानते हो, आपकी जान पहचान अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातचीत होती रहती हो या पहले होती थी, मतलब आपका एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को जानते थे, ये चीज जरूरी है। तो अब आपने क्या करना है कि फोटो के द्वारा जो आप वशीकरण करेंगे, जो किसी को आप अपनी ओर मोहित करेंगे, वो आप कैसे करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये 7 दिन तक चलेगी। शनिवार के दिन से शुरू होकर अगले शनिवार तक आप ये प्रक्रिया करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये रात के समय में होगी। अब आपने क्या करना है, रात के समय में आपने उसकी फ़ोटो, मोबाइल की जो मोबाइल में उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है, मोबाइल में उसकी फ़ोटो निकाल कर उसकी फ़ोटो का पहले 3 या 4 सेकंड तक अच्छे तरीके से देखना है उसकी आंखों की तरफ। तो फोटो ऐसी हो जिसमें उसकी आंखें अच्छे से दिखे, तो उसकी आंखों की तरफ फोकस करते हुए आपने 3 या 4 सेकंड तक देखना है। उसके बाद आपने एक मंत्र बोलना है। तो इस मंत्र को जब आप बोलेंगे, इस मंत्र को 11 बार बोलने के बाद आपने फूंक मारनी है वॉलपेपर के ऊपर। अगर उसकी मतलब तस्वीर का वॉलपेपर लगाया है वैसे कर लें, या अगर उसकी तस्वीर के ऊपर आपने फूंक मारनी है 3 बार, पहले आपने 11 बार मंत्र बोलना है। तो आपने मंत्र बोलना है, हम आपको बताते हैं, आपने मंत्र बोलना है ओम वश वसजु वशज कर ही फट फट स्वाहा। इसको बिल्कुल इसी तरीके से बोलना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है। तो ये मंत्र को थोड़ा सा, इसकी वर्ड्स डिफिकल्ट है बोलने में, तो हम इसे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आप इसको पढ़ते हुए, यानी कि इस जो मंत्र है इसको पढ़ते हुए भी आप इसे बोल सकते हैं। पहले आप इसको पढ़ते हुए बोले, उसके बाद आप उसके मुख की तरफ देख सकते हैं, या अगर आपको ये मंत्र याद हो जाता है तो उसकी आंखों की तरफ देखते देखते ज़रूर बोलें। और अगर बाय चांस, क्योंकि इसे गलत नहीं बोलना, उसी तरीके से बोलना है, तो अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो पहले मंत्र बोले कहीं पर देखकर, उसके बाद उसकी आंखों की तरफ देखें, फिर मंत्र बोले, फिर उसकी आंखों की तरफ देखें, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं 11 बार। तो ये जो प्रक्रिया है ये करने के बाद आपने 3 बार उसकी फोटो के ऊपर फूंक मार देनी है, और उसके बाद आप जैसे भी सोते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कर लीजिए। लेकिन अगर मेरी मानिए तो ये एक्टिविटी जो आपने करनी है, जो उपाय आपने करना है, बिल्कुल रात के समय एकांत समय पर करना है। तो इसे तब कीजिए जब आप बिल्कुल सोने वाले हों। तो इस उपाय को करने के बाद आप डायरेक्ट सो जाइए, आप कुछ भी और काम मत कीजिए। तो अगर जो रात के समय के उपाय या टोटके होते हैं, उसके बाद यही कहा जाता है कि उसके बाद आपने कुछ और काम नहीं करना, आपने सो जाना है। अगर बेहद कोई ज़रूरी काम हो तो कीजिए, अदरवाइज आप सीधा सो जाइए। तो 7 दिन तक लगातार करना है, यानी कि पहले शनिवार से शुरू होकर 7वें शनिवार तक। इसमें कोई भी चेंजेस मत लाइएगा, जिस तरीके से आया गया है उसी तरीके से कीजिएगा। आप देखेंगे वह व्यक्ति आपकी तरफ कैसे मोहित होता है, कैसे आपके वश में आता है, आपसे आकर्षित होता है और आपका दीवाना हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।